फ्लैशबैक, उन्होंने कहा कि यह ब्रेक फेलियर था। आह, मुझे इस बच्चे के लिए दुख हो रहा है। हवान ने कहा, यूएल, मैं अब से तुम्हारा परिवार बनूंगा, कुछ मत सोचो। यूएल सपना देख रहा था और जब वह जागा तो उसने महसूस किया कि उसका पेट दर्द कर रहा है और उसने सोचा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया। इसी बीच हवान खाना लेकर आया और कहा, यूएल, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, तुम्हारा पेट खाली है, इसलिए मैंने हल्का दलिया बनाया है। यूएल, तुमने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। यूएल ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, लेकिन मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। हवान उदास हो गया और खाना छोड़ दिया और कहा, दवाई भी खा लो। लेकिन यूएल सोच रहा था कि उसने हवान के साथ 3 दिनों तक प्यार किया, हवान कैसे ठीक हो सकता है, हम दोस्त हैं। इसी सोच के साथ यूएल कैफे में काम करने चला गया और हवान ने उसे फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन यूएल ने कभी फोन नहीं उठाया। कुछ लोगों का एक समूह उसके पास आया और 2 कप कॉफी मांगी। उसी समय उन्होंने कहा, क्या तुम ओमेगा की फेरोमोन की गंध महसूस कर सकते हो? हाँ हाँ, मुझे गंध आ रही है, लेकिन यह बहुत हल्की है। यह कौन है? उन 2 लोगों ने कहा, उन्होंने किसी गली में ओमेगा के साथ प्यार किया और यूएल अपनी ही सोच में खो गया, क्योंकि वह भी एक ओमेगा है। अचानक किसी ने कहा, ओप्पा, क्या आप बिल जल्दी बता सकते हैं? हाँ, बिल बताने के बाद यूएल अपनी सोच में खो गया। वह सोचता है कि वह अपने घर नहीं जा सकता, लेकिन हवान कैफे में आया क्योंकि यूएल फोन नहीं उठा रहा था। स्टाफ ने पूछा, बॉस, आप यहाँ कैसे आए? लेकिन हवान ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया और यूएल का हाथ पकड़ा और बाथरूम में ले गया और पूछा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या तुम मुझे टाल रहे हो? यूएल ने कहा, मैं काम कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, और मुझे भी कुछ समय चाहिए, मैं आजकल थक गया हूँ। हवान ने पूछा, तुमने यह क्यों छुपाया कि तुम ओमेगा हो? यह एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन तुमने इसे मुझसे छुपाया क्यों? यूएल ने कहा, मैं भी शर्मिंदा था, लेकिन मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले तुम्हारे बारे में सोचा, मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे। हवान ने यूएल को अकेला छोड़ दिया और कहा, ठीक है, सोचो। लेकिन यूएल ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो दूंगा हवान, क्योंकि तुम्हें ओमेगा पसंद नहीं है, और अब मैं एक ओमेगा हूँ। यूएल बैठा हुआ था और अपने फोन में देख रहा था और अपने साथी को एक संदेश टाइप कर रहा था। उसने लिखा, हवान, क्या तुम अभी व्यस्त हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हवान, तुम्हें भी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, मुझे लगता है कि मैं खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था, फोन उठाओ। यूएल उदास था क्योंकि हवान न तो जवाब दे रहा था और न ही उसका फोन उठा रहा था। यूएल ने सोचना शुरू किया कि कैसे उसके माता पिता यात्रा पर गए थे और उन्होंने कहा था कि वे जा रहे हैं, और यूएल के दोस्त हवान से कहा था कि वह यूएल का ख्याल रखे ताकि वह समय पर अपनी दवा ले सके। माँ, कृपया, मैं अब 20 साल का हो गया हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ, मैं अब 20 साल का हूँ। हवान ने भी यूएल के माता पिता से कहा, चिंता मत करो, मैं यूएल का ख्याल रखूंगा। यूएल वापस अपने होश में आया और रोने लगा। उसने बार बार हवान को फोन किया, लेकिन हवान ने उसका फोन नहीं उठाया। यूएल डर गया कि अगर हवान उसे छोड़ देगा तो वह क्या करेगा, वह कैसे जिएगा। दूसरी ओर हवान यूएल के सभी मिस कॉल देखकर खुश था। अगले दिन यूएल काम पर गया। ओप्पा, यह टेबल 7 का ऑर्डर है, क्या तुम वहां जा सकते हो? फिर अचानक यूएल को उल्टी करने का मन हुआ और वह बाथरूम की तरफ भागा और उसने उल्टी करना शुरू कर दिया। स्टाफ के लोगों ने पूछा, क्या तुम ठीक हो यूएल? इसके बाद यूएल ने सोचा कि उसे कुछ दिनों से बीमार महसूस हो रहा है और बार बार उल्टी करने का मन हो रहा है, उसे मेडिकल स्टोर जाना चाहिए और कुछ पेट की दवा मांगनी चाहिए। लेकिन दुकानदार ने पूछा,
क्या तुम ओमेगा हो? अगर तुम ओमेगा हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लो। यूएल ने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और वह बहुत डर गया क्योंकि वह गर्भवती था। उसने जल्दी से बाथरूम छोड़ दिया और भाग गया। उसने सोचना शुरू किया कि क्या यह इसलिए है क्योंकि उसने हवान के साथ प्यार किया था? क्या इसलिए वह गर्भवती है? उसने याद किया कि कैसे उसने हवान से कहा था कि यह न करें, लेकिन हवान ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ बच्चा, लेकिन क्या होगा अगर हवान को पता चलेगा? क्या वह मुझसे नफरत करेगा? यूएल ने सोचा कि हवान को पता चलने से पहले उसे इस जगह को छोड़ देना चाहिए और वह समुद्र तट की ओर भाग गया। लेकिन हवान आया और उसने प्रेगनेंसी टेस्ट देखा। उसे यह देखकर मुस्कान आ गई। हवान ने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और उन्हें यूएल को जल्दी से खोजने के लिए कहा। हवान को पता था कि यूएल कहां गया है और वह भी उसके पीछे गया। इस बीच यूएल सोच रहा था कि क्या करना है। उसे नहीं पता था कि हवान उसे लेने आने वाला है। यूएल सोच रहा था कि यह कब हुआ। क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं अब ओमेगा हूँ? मुझे अपनी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। शायद मुझे सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मुझे हवान की याद आती है और इस बच्चे का क्या होगा? क्या मैं हवान के बिना अकेले रह सकता हूँ? जब यूएल ये सब सोच रहा था, कुछ लोग उसे धमकाने लगे। वे भी यूएल के साथ प्यार करना चाहते थे और यूएल डर गया। उसने लोगों के समूह को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अचानक हवान आया और यूएल को अपनी बाहों में ले लिया और पूछा, तुम इतनी दूर क्यों आए? ये सब लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं क्योंकि तुम मुझसे दूर थे। यूएल ने सिर्फ एक शब्द कहा, हवान। लेकिन हवान ने कहा कि वह डर गया था। भगवान का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। यूएल ने हवान को गले लगाया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? तब हवान ने कहा कि वह उससे नफरत नहीं करता, लेकिन अन्य ओमेगाओं से नफरत करता है। यूएल ने कहा, नहीं, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम खुश नहीं रहोगे। हवान ने जवाब दिया, मैंने कभी तुम्हारे साथ रहते हुए दुखी महसूस नहीं किया। यूएल, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्त के रूप में नहीं बल्कि प्रेमी के रूप में। हवान ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यूएल ने कहा, मैं भूल गया था कि तुम मेरे एकमात्र दोस्त और एकमात्र अल्फा हो जिसने मेरी उदासी को स्वीकार किया। उसी समय यूएल की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम बहुत पसंद हो। इसके बाद यूएल और हवान अपने घर वापस आए। हवान ने यूएल को चूमा। वे खुशी खुशी चूम रहे थे, लेकिन यूएल ने कहा, हवान रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अचानक हवान ने उसे बड़ी मुस्कान दी, तुम गर्भवती हो? यूएल ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? हवान ने उसे बताया कि कैसे उसने अपना टेस्ट बाथरूम में छोड़ दिया था। यूएल ने भी पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लेकिन हवान ने कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे फिर से चूमने लगा। कुछ मत सोचो और मुझ पर ध्यान केंद्रित करो, चलो और बच्चे बनाते हैं। इसी बीच हवान ने पूछा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? यूएल ने कहा कि वह निश्चित नहीं है, लेकिन वह उसके साथ रहना चाहता है और बच्चे के लिए वह निश्चित है। आशा है कि आपको यह भाग पसंद आया होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अधिक आगामी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।